वीवीएन के निकट प्रत्येक गांव रोतावाला में 27 मार्च को शिव मंदिर में एक बुजुर्ग देखा गया है जो कि अपना नाम चित्रकूट बता रहा है और अपने आप को महाराष्ट्र का रहने वाला बता रहा है। बुजुर्ग की उम्र लगभग 70 साल के करीब लग रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके शरीर पर मारपीट के घाव भी थे। जब इनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं किसी तरह यहाँ पहुँचा हूँ और उसने मदद की गुहार लगाई। महाराष्ट्र से आए इस बुजुर्ग को देखकर गांव वालों में काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। गांव वाले इस बुजुर्ग के समीप नहीं जाते और बल्कि उसे दूर से ही खाना दिया गया है। गांव वालों ने बद्दी पुलिस व स्वास्थ्य विभाग में सूचना दे दी है। आपको बता दें कि विश्व में फैल रही इस वायरस की महामारी से लोग पहले ही डरे हुए हैं। मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत मानपुरा से ये बात प्रशासन को और सरकार को बताना चाहता हूँ कि ये एक प्रवासी जो कि रात को ग्राम पंचायत मानपुरा के शिव मंदिर गांव रोतावाड़ा में चुपके से आके यहाँ पर मंदिर में बैठ गया और जैसे ही हमें गांव रोता वाले के कुछ नौजवानों ने सूचना दी कि यहाँ पर एक प्रवासी बैठा है तो इसकी सूचना सरकार को और बी डी ओ ऑफिस में दो, तो मैंने उसी तरीके से यहाँ मंदिर में आकर बी डी ओ ऑफिस में इसकी सूचना दी और एसडीएम को कई बार फ़ोन कर चुका हूँ, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, पता नहीं क्या मजबूरी होगी। और बद्दी पुलिस थाना में भी रिपोर्ट की तो तहसीलदार का भी फोन मिला रहा हूँ, नहीं लग रहा है। यानी कि हम मैं और यहाँ 4-5 नौजवान लड़के रोता वाला गांव के सुबह से यहाँ इसकी देखरेख में बैठे हैं कि कहीं भाग ना जाए और प्रशासन ने अभी तक यहाँ पर आकर कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ली। अब जाए तो कहाँ जाए। और मैं इस ये प्रेस के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहूँगा कि प्रशासन अखबारों में और मैसेजों में इतने बातें बनाते हैं लेकिन यहाँ धरातल पर कुछ भी नहीं है। सो मेरी सरकार से बेनती है कि इन सब से पूछा जाए। जब आपको ब्लॉक में भी हमने फ़ोन किया, डॉक्टर नालागढ़ बीएमओ को फ़ोन किया लेकिन सुबह से बोल रहे हैं हम आ रहे हैं आ रहे हैं। एक सुबह सुबह दो कांस्टेबल जिला पुलिस बद्दी से आए, उस वो भी चले गए कि प्रधान जी देखेंगे। अब प्रधान जी के पास क्या ट्रक गाड़ी है कोई, कहाँ छोड़ूं इसको, कैसे ले जाऊं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आकर इस प्रवासी की शुद्ध बुद्ध ली जाए। कहीं इसको कोरोना पॉजिटिव हुआ ये तो आप बताओ कि सुबह से कितने लोग यहाँ आ गए और किस किस को मिला होगा। तो ऐसे तो अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो हमारे प्रदेश का बुरा हाल हो जाएगा। और ज़्यादा ना कहता हुआ मैं प्रेस के माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे जो मामले हैं इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। एनकाउंटर में बुद्धि से सचिन बैंसल की रिपोर्ट।